सो हे गाइस, स्वागत कीजिए फिर से एक नए लॉन्डी पेमेंट व्हाट्सअप मैसेज का, जो कि इस बार भी कैशबी के नाम से कुछ इस तरीके से इन लोगों ने जो है लोगों को सेंड करना चालू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि कैशबी की तरफ से जो आपका लोन है वो ओवरड्यू हो गया है, उसका रीपेमेंट आपको जल्दी से कर देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज ही कर दीजिए और 12 डिजिट का जो UTR नंबर होता है, यानी कि ट्रांजेक्शन ID, वो इन लोगों के साथ आपको शेयर करना है। मैं आपको पहले बता दूँ कि कैशबी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर लोन ऐप अवेलेबल था। अगर आपने जो है उस लोन ऐप से लोन हुआ था, आपको लोन का अमाउंट रिसीव हुआ था, आपने रीपेमेंट नहीं किया था, तो ऐसे में जो है आपको उस वाले ऐप में जाकर के ही रीपेमेंट करना है। इन लोगों के द्वारा कोई भी लिंक अगर आपको सेंड किया जा रहा है पेमेंट करने के लिए, तो उस पर आपको रीपेमेंट नहीं करना है। आपने जिस ऐप से लोन लिया, चाहे वो कैशबी है चाहे वो कोई भी ऐप है, उसी ऐप में जाकर के अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव हुआ है तो रीपेमेंट करना है और प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके रीपेमेंट करना है। लेकिन अगर कैशबी का आपने रीपेमेंट जो है ऑलरेडी कर दिया हुआ है, अब ऐसा मैसेज आया है, तो आप इन लोगों को जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर सकते हो। अगर वीडियो है तो वीडियो सेंड कर दीजिए। लेकिन अगर आप कैशबी से कभी लोन नहीं लिए हो, कभी इस ऐप के बारे में जानते नहीं हो, कभी डाउनलोड ही नहीं किया हो कैशबी लोन ऐप को, तो ऐसे में जो है इस मैसेज को आपको फेक मैसेज समझ करके ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर देना है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हो। और ऑलरेडी अगर आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया जो कि इन लोगों ने प्रोवाइड किया है, जबकि आपने जो है इस नाम के लोन ऐप से लोन ही नहीं लिया था, और तब भी आपने जो है इस पर क्लिक कर दिया है, ऐप डाउनलोड हो गया है, लॉग इन करके देखिए वो अमाउंट शो हो रहा है और आप श्योर हो कि आपने कभी भी इस ऐप से लोन नहीं लिया है, तो ऐसे में जो है पहले तो यहां पर लास्ट में एक वीडियो शो होगा, उसको आपको देखना है और अपने फोन में अप्लाई करना है। दूसरी बात यह कि वहां पर अमाउंट जो है एक रैंडम अमाउंट भी शो होता है, ऐसा देखा गया है। जिन लोगों के पास भी मैसेज गया है ना, अगर वो लोग उसमें अपना नंबर डालते हैं तो 5-7 हज़ार समथिंग का अमाउंट शो होता ही होता है, ठीक है। जिसके पास भी गया है उसको अमाउंट शो होगा। तो आपको ये याद करना है कि पिछले एक महीने के अंदर क्या आपने ऐसे लोन ऐप से लोन लिया था, क्या आपने उसका रीपेमेंट नहीं किया था, तो ही रीपेमेंट करना है, अदरवाइज सीधे ब्लॉक एंड रिपोर्ट करना है। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। यहां पर जो वीडियो शो होगा जरूर से देख लीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किसी तरीके का स्कैम हुआ है तो डिटेल मेरे साथ जो है भाई शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID और मेल ID आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।